Assalamualaikum and welcome back to Orange Shorts. और आज की वीडियो की वीडियो खास बात यही है कि लेकिन आप लोगों को सी की वीडियोस देखने में मजा आता है so here is another वीडियो. आप लोगों को अगर ये न्यूज नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ दो चार दिन पहले की बात है कि सिंगापुर के पास ईस्टर्न ओपीएल पे यानी कि सिंगापुर की पोर्ट के पास बाहर समंदर में जो कि आपको मैप के ऊपर आ रहा होगा एक ऑयल टैंकर धमाके से फट गया ये एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का एक्सप्लोजन हुआ दूसरे जहाजों ने जो कि उसके आसपास थे उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू का काम सर अंजाम दिया जहाज के ऊपर टोटल 28 क्रू मेंबर मौजूद थे जिनमें से 25 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया लेकिन तीन क्रू मेंबर्स अभी तक लापता है इस बदकिस्मत जहाज का नाम है पाबलो और ये जहाज चाइना से सिंगापुर की जानब आ रहा था वेल एक्चुअली इट्स नॉट सिंगापुर क्योंकि अगर आप इसकी डेस्टिनेशन देखें तो डेस्टिनेशन में लिखा हुआ था ईस्टर्न एल ऑफ सिंगापुर और ईस्टर्न ओपीएल का मतलब ये होता है कि ये जहाज़ एग्जैक्टली सिंगापुर में नहीं आएगा बल्कि सिंगापुर के पास जो खुला समंदर है वहाँ पर इस जहाज़ ने कयाम करना था एक मई सन 2023 को तकरीबन तो तो चार बजे के आसपास पास मलेशियन कोस्ट गार्ड को ये डिस्ट्रेस मौसू होता है कि एक जहाज़ ऐसा है जो कि डिस्ट्रेस में है जिसके ऊपर जाना है और क्रू को बचाना है और जहाज के आसपास जो कि दूसरे जहाज़ मौजूद हैं उनमें से कुछ जहाज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं मलेशियन अथॉरिटीज़ ख़ुद उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हैं ताकि ज़ाहिर बात है एक एविडेंस रहे जहाज़ों पर वीडियो रिकॉर्ड की जाती हैं कोर्स ये वो सोशल मीडिया वगैरह के लिए नहीं होती इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि एविडेंस रहे ताकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में काम आए क्योंकि हवाई जहाज़ों के बर जो कि अक्सर ज़मीन के ऊपर क्रैश करते हैं और उनके ब्लैक बॉक्सेस वगैरह आराम से मिल जाते हैं बहरी जहाज़ अक्सर जब उनके ऊपर आग लगती है और इस किस्म के डैमेज़ होते हैं तो वो डूब जाते हैं तो जो भी एविडेंस इकट्ठा किया जा सके चाहे वो ऑडियो एविडेंस हो या वीडियो एविडेंस हो उसका अच्छा खासा किरदार होता है इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मलेशियन कोस्ट गार्ड रिस्पॉन्डस एंड द शिप्स अराउंड इसके ऊपर एक्सप्लोजन की क्या क्या वजुहत हो सकती है तो अगर आप इस जहाज की टर्मिनोजी का मतलब ये होता है कि जहाज में इस वक्त कार्गो लोडेड नहीं है जहाजों की मुख्त टाइप होती है कुछ टाइप्स के ऊपर ऐसा होता है कि आपको डेक के ऊपर कार्गो रखा हुआ नजर आ रहा होता है जैसा कि कंटेनर शिप्स में होता है लेकिन ऑयल टैंकर्स, जैसा कि मेरा जहाज है इनके ऊपर आपके डेक के ऊपर कार्गो रखा हुआ नजर नहीं आ रहा होता

अब हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज पहले से कम होगी देखने में ये एक अच्छी बात लगती है लेकिन हकीकत ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप में से जो जो लोग हाइड्रोकार्बन के एटमॉस्फेयर से वाकिफ हैं उनको पता होगा कि एटमॉस्फेयर होता है तीन तरह का रिच एटमॉस्फेयर यानी कि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन इतने ज्यादा हैं कि उसमें आग लग ही नहीं सकती उसके बाद लीन एटमॉस्फेयर यानी कि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन इतने कम हैं कि उसके अंदर आग नहीं लग सकती और फिर देन कम्स द फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर यानी कि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन जस्ट एट द राइट अमाउंट है और जस्ट उसके अंदर हवा ने मिक्स होना है टेम्परेचर ने करना है एक शोला भड़कना है और टैंकर ने फट जाना है लाइट वेसल्स के साथ ये एक ऐसी चीज होती है जिसका आपको ठीक ठाक किस्म का ध्यान रखना पड़ता है हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि इस जहाज के ऊपर क्या हो रहा था या क्या चल रहा था बट एज इट सीन्स और जैसा कि आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली इस जहाज के अंदर इसके टेंस के अंदर कहीं ना कहीं से ना सिर्फ एक ऑक्सीजन गई जो कि उस हाइड्रोकार्बन के साथ मिली और उसने फ्लेमेबल एटमोसफेयर बनाया बल्कि साथ ही कोई ना कोई ऐसी वजह भी बनी कि इस जहाज के ऊपर कोई शोला इंट्रोड्यूस हुआ आग भड़की और उसके बाद इस जहाज के ऊपर धमाका हो गया दिस इज स्टोरी दैट इज कंटिन्यूसली डेवलपिंग अभी तक ये अंडर प्रोसेस है अंडर प्रोग्रेस है और हमारे पास रोजाना कोई ना कोई थोड़ा सा नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है अलबत् अपने पुराने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ अगर आप इस जहाज़ का मेक देखें यानी कि जहाज़ बना कब का था तो दैट इज़ नाइनटीन नाइनटी सेवन अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब ये जहाज़ कितने साल पुराना हो गया छब्बीस साल पुराना हो गया छब्बीस साल पुराना जो ऑयल टैंकर होता है उसके ऊपर जाहरी सी बात है कि प्रॉब्लम्स ठीक ठाक आ जाती हैं चाहे वो जैपनीज़ बिल्ट ही क्यों ना हो जहाज़ की अपनी एक उम्र होती है जो कि यूजुअली तकरीबन मैक्सिमम 20 साल के आसपास होती है उसके बाद जहाज़ का बुढ़ापा होता है और जब जहाज़ का बुढ़ापा होता है तो बहुत सारे रिपेयर के काम आपको करने पड़ते हैं और फिर उसके इसमें कुछ कंपनीज शायद मुकम्मल तौर पर से आपकी सेफ़्टीज़ का ख्याल नहीं रखती ध्यान नहीं रखती जहाज़ के ऊपर इस किस्म के काम किए जाते हैं जो कि शायद उनको ठीक ठाक टाइम लगा के करने चाहिए थे और जब वो काम ध्यान से नहीं किए जाते कोई वेल्डिंग हो गई कोई ऐसा काम हो गया जिससे हीट जनरेट हो और ख़ुदा न खास्ता अगर आपके टैंक्स में मसला हो टैंक्स में कहीं ना कहीं से आई अपनी मर्ज़ी से या हवा अपनी मर्ज़ी से आ रही हो और जा रही हो तो फिर इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना सिर्फ ये कि एक्सपेक्टेड एक होते हैं बल्कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स फिर एक्चुअल में होते हैं अपने जहाज़ के ऊपर मैं हमेशा एक बात बड़ी शदोमत से कहता हूँ और ना सिर्फ एक इस बात को मैं शदोमत से कहता हूँ बल्कि इस पर ठीक ठाक मैं ज़ोर देता हूँ कि सेफ़्टी फ़र्स्ट आप जहाज़ के ऊपर अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने आए हुए हैं आप इस जहाज के ऊपर इसलिए आए हुए हैं ताकि आप यहाँ पे काम करें पैसे कमाएं और घर भेजें आप जहाज़ के ऊपर जान देने के लिए नहीं आए हुए लेकिन ऑफ़ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन क्या हर साल हमें बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स देखने पड़ते हैं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ती हैं कि जिसका जब एंड में कोई ना कोई रिजल्ट निकाला जाता है तो वजह यही निकलती है कि किसी इंसान ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से किया चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर था चाहे वो कमर्शियल प्रेशर था चाहे वो आपके सीनियर्स का प्रेशर था मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि आपने इस प्रेशर में नहीं आना इस प्रेशर में अगर आप आ गए और इस प्रेशर में आके अगर आपने गलत काम कर लिए और जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन गए तो आप ना सिर्फ ये कि अपना नुकसान करेंगे आप अपने क्रू का भी नुकसान करेंगे अपने जहाज का भी नुकसान करेंगे और फिर इस किस्म की सिचुएशंस अराइज होती रहती हैं वो तमाम लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मर्चेंट नेवी से ताल्लुक़ रखते हैं मैं उनको दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ परफॉर्म एवरी वर्क सेफली हर काम को आप ध्यान से करें तुनदही से करें मेहनत से करें मेहनत से जरूर करें आप जहरी बात आप जहाज के ऊपर कमाने के लिए आए अपनी रोज़ी को आप हल जरूर करें लेकिन हर काम को आप सेफली करें सेफ्टी को ना बाईपास करने की कोशिश करें क्योंकि सेफ्टी का कोई नेमुल बदल नहीं होता यह एक डेवलपिंग स्टोरी है इसके बारे में इसकी हर ख़बर के बारे में तो शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली ये पैगाम देना चाह रहा था इसलिए मैंने वीडियो बनाई आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगा कि जो जो अपडेट्स आती रहे मैं कम्यूनिटी में पोस्ट करता रहूँ या फेसबुक को प्रपोज करता रहूँ हाल बता जब एक पूरी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगी तो मेरी कोशिश ये होगी कि फिर मैं आपको मुकम्मल स्टोरी से आगाह कर दूँ लेकिन बहरहाल जो फ़िलहाल नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि किसी एक की गलती थी यह शायद एक ग्रुप की गलती थी जिससे सिर्फ जहाज का नुकसान हुआ बल्कि गए जहाज तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जान का कोई भी आज तक मौजूद था है या होगा नजर आ रहा है शिप और ये आग भी स्टापो साइड में ही लगी हुई है उसी टैंक में लगी है बाकी टैंकों में नहीं है उसी टैंक में से धुआं निकल रहा है उसी टैंक में से आग लगी हुई है और ये सब में नहीं है ये आग इसी टैंक के ऊपर का अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली दिस इज मिजाज निसार आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़